आओ साथ चलें, सबको साथ लेकर चलकर हम किस तरीके से समाज के अभाव में रहने वाले वंचित लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, इसके लिए आओ साथ चले संस्था एक लंबे समय से हॉस्पिटल में और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक सेवा का पुण्य का काम कर रहे हैं। इसके संयोजक श्री विष्णु मित्तल जी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय सिद्धार्थ जी, धीरज बहल जी एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट आरएमएन के, अजय कुमार जी, बीके पानीवाल जी, सभी आओ चलो संस्था के पदाधिकारीगण, आओ चलो संस्था एक लंबे समय से दिल्ली के हॉस्पिटलों के अंदर, कोटपुतली राजस्थान के अन्य गांव के अंदर लोगों की जीवन की बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के अटेंडेंट के लिए लंबे समय से भोजन के पैकेट देने का काम कर रही है। इंस्टीट्यूट ठंड के अंदर देश में दिल्ली का टेम्परेचर सबसे नीचे रहता है और उस समय कई मरीज के साथ अटेंडेंट अचानक इमरजेंसी में आना पड़ता है तो उन अटेंडेंटों के ओढ़ने और बिछाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। आओ साथ चले संस्था ने, विष्णु मित्तल जी ने इस दर्द को समझा, इस पीड़ा को समझा और उन्होंने उन अटेंडेंट के लिए जो कहीं भी बाहर सोकर अपना जीवन रात गुजारते हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था की है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से दिल्ली में जहां जहां भी उनको लगता है कि खुले आकाश में कोई सो रहा है तो उस खुले आकाश में सोने वाले व्यक्ति को कंबल और रजाई बांटकर उसको ठंड से बचाने का काम ये संस्था लगातार कर रही है। आप देखेंगे कि दिल्ली या दिल्ली के अन्य शहरों के अंदर ठंड के कारण कई लोगों की बीमार हो जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है और इसके लिए भारत के संस्कार या की संस्कृति, लोगों के सेवा भाव के कारण अलग अलग कई सारी संस्थाएं हैं देश भर के अंदर, जहां भी वो देखती कि खुले आकाश में कोई सो रहा है वहां कंबल रजाई या भोजन देने की व्यवस्था करती है। अवसाद चले ने भी इसी तरीके से चाहे दिल्ली हो, चाहे कोटपुतली हो, चाहे राज्य के अलग हिस्से के अंदर हो, इस संस्था के पदाधिकारियों ने पुण्य का काम किया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। इसी के साथ साथ कोटपुतली के अंदर, अन्य राजस्थान और कई राज्यों के अंदर वस्त्र भंडार खोलकर लोगों को वस्त्र उपलब्ध कराना, ऐसे कई सारे सामाजिक प्रक्रियाओं का काम आओ चले साथ संस्था चल रही है, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे आशा है हम सब मिलकर जिस तरीके से कोविड के समय पूरी देश के सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों ने, सबने मिलकर जिस तरीके से कोविड के अंदर अभाव वंचित लोगों की मदद की थी, इस दिल्ली में भी हमारा संकल्प होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो खुले आकाश में अगर सो रहा है तो उसको ठंड से बचाने की व्यवस्था करें और इसी तरीके से हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन,
बस स्टैंड, जहां जहां भी देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उनको रेन बसेरा उपलब्ध कराए और उसके साथ साथ उनके ठंड से बचाने की व्यवस्था करें, और जिस तरीके अवसाद चले ठंड से बचाने की व्यवस्था भी करती है, भोजन की व्यवस्था भी करती है, मोबाइल वैन पर भोजन उपलब्ध कराना, घूम घूम कर जहां भी मजदूर रात को अगर भूखा सोता है तो कोई भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ अवसाद चले संस्था काम कर रही है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई।